ओप्पो ने दोस्तों अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि ओप्पो रेनो 7 लीग ऑफ लेजेंड एडिशन आपको देखने को मिलने वाली है। सो आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में स्पेसिफिकेशन के साथ आपको जो है प्राइस भी बताने वाला हूँ। जिस स्पेसिफिकेशन पे इसे लॉन्च करी गई है प्राइस रेंज आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो में आपको अंत तक बनी रहनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को छोटी सी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। Oppo Reno 7 League of Legend Edition, नाम दोस्तों बहुत ही बड़ा देखने को मिल रही है लेकिन स्पेसिफिकेशन भी आपको धमाकेदार देखने को मिल रही है। 6.55 इंच की आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल रही है जो कि AMOLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल रही है। 402 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल रही है, साथ ही में 1000 nits की आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल रही है। कितनी भी सनलाइट हो आपको डिस्प्ले देखने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कलर रिप्रोडक्शन दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है, 1 billion आपको कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल रही है, और फ्रंट व बैक दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है। प्राइस रेंज के हिसाब से आपको स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोन की प्रोसेसर की, कि फोन की जो है परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो दोस्तों प्रोसेसर के ऊपर ही निर्भर करता है कि फोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 मैक्स 5G प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलने वाली है जो कि नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिल जाएगी, और साथ ही में आर्किटेक्चर 64 बिट पे देखने को मिलेगी। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज इसमें देखने को मिल रही है जो कि GPU है, आपको माली G77 की GPU देखने को मिल रही है। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस जो है आपकी हाई लेवल की होने वाली है, हाई ग्राफिक्स गेम जो आप हाई सेटिंग पे प्ले कर सकते हैं, आपको जो है कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलेगी, एकदम मक्खन जैसी आपकी गेम प्ले होने वाली है। गेमिंग एक्सपीरियंस आपके इस स्मार्टफोन के साथ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में इसमें आपको 12GB की रैम वेरिएंट देखने को मिल रही है और 256GB की स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल रही है। फोन जो है दोस्तों आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 पे काम करती है और कलर OS अभी आपको 11 देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोन की कैमरा सेटअप की। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की, तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिल जाती है जिसमें 50 MP की आपकी वाइड एंगल लेंस है, 64 MP की आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाती है, और 13 MP की आपको टेलीफोटो लेंस देखने को इसमें मिल जाती है। उसी जगह फ्रंट फेसिंग कैमरे की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें आपको 32 MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फोन में बैटरी कितनी दी गई है। बैटरी अच्छी रहेगी तो आपको बैकअप भी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और जिसे चार्ज करने के लिए इन दी बॉक्स वुक चार्जर 65W की आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि आपकी चार्जिंग भी फास्ट देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज जो है दोस्तों 12GB की जो रैम वेरियंट है उसकी प्राइस आपको 47,500 rupees देखने को मिलने वाली है इंडिया के अंदर, जो कि अभी चाइना के अंदर लॉन्च हुई है। जिस प्राइस रेंज पे चाइना के अंदर लॉन्च हुई है वो प्राइस रेंज इंडिया के रुपीज में जो आपको 47,500 rupees देखने को मिल रही है। सो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।